भांग की चटनी में मजा आ गया, अपनी चाप बिरयानी मजा आ गया, दही घुलनी बाकी है, चटनी डाल लो, दही भी घोल लेते हैं भाई, ऐसे खोल देना खा रहे हैं भाई। तो भैया ये है हमारी प्लेट, इसमें दही है, चाट बिरयानी और भांग की चटनी और खीरा, तो ये एंजॉय करते हैं हम अपनी बढ़िया सी वीगन थेरेपी भी बन रही है वो, आज होगा मजा आ गया। नींबू किसे चाहिए था? अरे नींबू भांग की चटनी में डालने के लिए लाया था मैं, कि भांग की चटनी में डालेंगे थोड़ा और टेस्टी बन जाती है। खट्टा है पहले ही बहुत ज्यादा। मस्त है। नमक निकाल दे। नमक ये तो ना, नमक कौन सा बना के लाए हो? बना के नहीं लेके आया, बस आगे। अरे वो बनाने वाली थी मम्मी, मम्मी वाला सुबह से बना, सुबह से बताया होता चटनी भी थोड़ी ज्यादा बना देती, अभी तो इतनी वो है। तो भाई आज के हमारे शेफ जो है वो है लक्की, सोयाबीन चाप, अरे अफगानी चाप, तंदूरी चाप, मलाई चाप, वो भी नहीं आते, वो भी नॉन वेजिटेरियन है। अबे वेजिटेरियन हूँ, वेजिटेरियन है क्या आदमी है, जितने नॉन वेज खिलाएंगे भरोसा नहीं है। मुझे पता ही था चाप नहीं खाएगा, नहीं कह रहे गेंदे का मीट है यार। ये कुछ कैंड था, सोयाबीन चाप है। इनमें से ना जब जाने का मौका आता है ना, जो मुझे लास्ट टाइम पे बोलेंगे मैं लास्ट टाइम पे भी चले जाऊंगा, लाइट बंद कर देनी पड़ेगी मुझे। पर इन्हीं का सीन, गुड्डू भैया का सीन तो सबसे अलग रहता है, सबसे लेट तो चल भी देता हूँ मैं बयान उसका। भाई पानी थोड़ा सा बढ़ चुका है क्योंकि ऊपर पहाड़ में हुई थी बारिश, और ये गाड़ी देखो निकल गई। तो भाई इतने वीडियो के बाद में मैं आपको एक क्लिप ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्लिप में क्लिप क्या है कि मैं आपको एक फोटो ऐड कर दे रहा हूँ, जो फोटो मैंने उस हॉन्टेड रोड पे खींची, क्योंकि यहाँ से वापसी में हम दोबारा से उस हॉन्टेड रोड के थ्रू गए निकले, तो हमारे सामने क्या हुआ कि वो एक शख्स नजर आया रोड पे चलता हुआ, जो कि एक मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई यंग लड़का होगा, लेकिन जब उसकी शक्ल हमने दो बार गाड़ी घुमाने के बाद देखी तो उसकी एज ऐसी लग रही थी जैसे कि बहुत ज़्यादा एज, 80-90 साल का, उसकी स्किन ऐसे लटकी हुई थी और उसकी आइज चमक रही थी। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ में हुई इस वीडियो में, और मैं आपको सिर्फ फोटो दे पाऊंगा उसकी, क्योंकि वो सारी क्लिप मेरे फ़ोन से गायब हो गई। एडिटिंग की हुई, एडिटिंग किया हुआ, ये व्लॉग पूरा एडिट किया हुआ था एक्चुअल में, पूरा एडिटिंग किया हुआ व्लॉग पूरा मतलब यूट्यूब से गायब हो गया, फ़ोन से गायब हो गया, नो आइडिया कैसे गायब हुआ, क्या हुआ। जगपुड़ा हॉन्टेड रोड हम दोबारा जाएंगे,
दोबारा शूट करेंगे, दोबारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो भी रहा था वहाँ पे सीन हमें नहीं पता क्या हुआ, बट ये कि मैं इमेज ऐड कर दे रहा हूँ, इमेज आप देख लेना, उसमें आपको वो शख्स नजर आएगा, लेकिन उसकी शक्ल नजर नहीं आएगी, बट ये है कि हाँ वो शख्स नजर आ रहा है उसमें। बस मैं स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, बस वो सेव रह गया मेरे फोन पे, उसके अलावा सब चीजें डिलीट हो गई, वो ब्लॉग भी, वो डेटा भी, वो सब कुछ। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप ये इमेज देखो और इमेज देख के डिसाइड करो कि ये क्या था, और हमें दोबारा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और वहाँ जाना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या था, और दोबारा इन्वेस्टिगेशन करें या क्या करें बताएं आप कमेंट में। तब तक के लिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।